साथ में अनुराग सक्सेना अगले एक घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो रखती हैं आपसे सरोकार। शुरुआत करते हैं बिग ब्रेकिंग है बड़ी खबर के साथ, अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई बड़ी खबर है जहां पर आतंकी हमले का अलर्ट अमरनाथ यात्रा को लेकर जारी किया गया है, यानी कि अमरनाथ यात्रा पर आतंकियों की नजर है। पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश हुआ है, भारत में आतंक फैलाने की साजिश पाकिस्तान रच रहा है। पाकिस्तान की सेना का टीपीपी से गठजोड़ है और कश्मीर में बड़ी हमले की साजिश रची जा रही है। अलर्ट पर लिहाजा भारत की खुफिया एजेंसियां हैं, दो आतंकियों को हमले की बकायदा जिम्मेदारी दी गई है। एक का नाम है रफीक नाइक और दूसरे का नाम है मोहम्मद अमीन बट। इन दोनों को हमले की कश्मीर में अमरनाथ यात्रा पर हमले की जिम्मेदारी दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर अमरनाथ यात्रा पर आतंकियों की नजर है और पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश इसलिए जो कि पाकिस्तान की सेना का टीटीपी से गठजोड़ है। टीटीपी आतंकवादी संगठन और ये दोनों मिलकर अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले की साजिश रच रहे हैं। रफीक नाई और मोहम्मद अमीन बट, इन दो आतंकवादियों को हमले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहार के सुल्तानगंज अगवानी पुल हादसे को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी एसपी सिंगला के इंजीनियर को 7 घंटे पहले ही पुल गिरने का आभास हो गया था और यही वजह है कि कंपनी के सारे इंजीनियर्स 7 घंटे पहले ही प्लांट में ताला लगाकर फरार हो गए थे। गांव वालों का आरोप है कि पुल में 7 दिन पहले दरार आई थी, जिसके बाद इंजीनियर्स की टीम को बुलाया भी गया था। इंजीनियर्स की टीम ने पुल का निरीक्षण किया और जिसके कारण कर्मचारी मशीन और मजदूरों को हटा लिया गया था। सुल्तानगंज अगवानी पुल हादसे को लेकर बड़ी जानकारी, खबर ये कि कंस्ट्रक्शन कंपनी एसपी सिंगला के इंजीनियर्स को 7 घंटे पहले आभास हो गया था कि पुल गिर सकता है और देखिए यही वजह है कि कंपनी के सारे इंजीनियर्स 7 घंटे पहले ही प्लांट में ताला लगाकर फरार हो गए थे। गांव वालों की माने चूंकि सीधा आरोप ये वो लगा रहे हैं कि 7 दिन पहले दरार आ गई थी, निरीक्षण किया गया, मजदूरों को वहां से हटा लिया गया, यानी कुल मिलाकर ये संकेत मिल रहा है कि एसपी सिंगला के इंजीनियर्स को 7 घंटे पहले ही पुल के गिरने का आभास हो गया था। और मध्य प्रदेश के दमोह से बड़ी खबर है, गंगा जमुना स्कूल में हिजाब मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। अल्लामा इकबाल का गीत लब पे आती है दुगा गाते हुए नजर आ रही है छात्राएं। स्कूल में अल्लामा इकबाल का गीत लब पे दुआ आती है ये गाया जा रहा है। 15 अगस्त समारोह का ये वीडियो बताया जा रहा है और गीत गाने के दौरान हिजाब में आप देखें तमाम छात्राएं भी नजर आ रही हैं। वीडियो में हिजाब में जो छात्राएं नजर आ रही हैं, स्कूल के पोस्टर से दरअसल पूरे मामले का खुलासा हुआ था और हिंदू छात्राओं को भी हिजाब पहनाया गया था। खुलासे के बाद स्कूल की मान्यता हालांकि रद्द हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्कूल पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे। स्कूल के कई टीचर्स के धर्मांतरण भी हो चुके हैं और इस तरह के खुलासे आने के बाद सख्त एक्शन शिवराज सरकार का। गाजियाबाद से भी धर्मांतरण का मामला सामने आया है, लिहाजा गृह मंत्रालय को इसकी जानकारी